आइए देखते हैं कुछ लाइनें सौरंगा में। सौरंगा का दूसरा भाग, उसमें से कुछ थोड़ी सी लाइनें देखते हैं। मधुबन कैसेट कंपनी की तरफ से एका के माध्यम से आ जाइए। जनता की बेहद मांग पर कुछ लाइनें हम आपको सुना रहे हैं, जैसी कि जनता की हमारे पास मांगे आई। एक बार सदावृक्ष सौरंगा का जहां जन्म हो गया था, वहां से आगे की थोड़ी बात बता रहे हैं। सदावृक्ष जो थे वो भैंस चराने के लिए जाते थे और सौरंगा पढ़ने के लिए जाते थे। हाँ, अरे सदावृक्ष उत भैंस चुगावे, सौरंगा पड़िबे को जावे। बताने के लिए जा रहे हैं कि सदावृक्ष सौरंगा के बारे में। सदावृक्ष सौरंगा भैंस चराने के लिए सदावृक्ष जाते थे और सौरंगा पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, सदावृक्ष भैंस चरा रहे थे, सौरंगा पढ़ने के लिए जा रही थी, तो सदावृक्ष से यानी सदावृक्ष सौरंगा से पूछने लगे। क्या पूछा उन्होंने? ये पहले दिन की उनकी मुलाकात थी, पहली बार उन्होंने पूछा। अरे कौन की है तू लाडली, अरे मेरी बेटिया, कोई कहा तुम्हारो गंगा नाम जी। सदावृक्ष पूछन लगे, सौरंगा से पूछ रहे अंकित, हाँ तुम कौन की लली हो? अरे कौन की है तू लाडली, अरे मेरी छोरी, कोई कहाँ को रही तुम्हारा।
कोई काप रही तुम जाएगी। जैसी जब बात कही तो सौरंगा खड़ी हो गई। वैसे तो पड़वे के लिए जा रही थी, सोचन लगी भैंस तो चरा रहे उन्हें याद तो आती। हाँ, लेकिन मालूम तो सौरंग हुआ था, लेकिन सोचन लगी अब बतानी तो पड़ेगी। तो बाई समय पे सौरंगा जवाब देने लगी कि अब तुम पूछ रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, बताते हैं। अरे बिटिया तो कहिए पदमा सेठी की ओर ग्वाला। जवाब देते हुए सौरंगा बोली, बिटिया तो कहिए पदमा सेठी की ओर छोरा। कोई सौरंगा जवाब देती हुई सदाव्रत से कहने लगी, बिटिया तो कहिए पदमा से टिकी और ग्वाला। कोई पड़वे को है। हाँ, अरे कलम बुदिका मेरे हाथ में अरे ग्वाला। कोई पड़वे को मेरा काम जी। अब हमारा तो परिचय इन्हीं बातों में है, अब तुम अपना परिचय दो। तो सदाव्रत से जब जब बात कही है सौरंगा ने, तो सदाव्रत कहने लगे, कोई बात नहीं, हम भी अपना परिचय बता देंगे तुम्हें। तो उसी समय सदाव्रत कहने लगे, सौरंगा तुमने अपना परिचय दे दिया, हम बड़े खुश हैं, अब हम तुम्हें अपना परिचय बता दें। अरे बेटा तो कहिए जगदीश को और छोरी। सदाव्रत बोले सौरंगा, बेटा तो कहिए जगदीश को मेरी प्यारी। कोई कोई सदा पे रक्ष मेरो नाम जी। सदाव्रत समझाते हुए सौरंगा को बताने लगे, अपना परिचय देने लगे, बेटा तो कहिए जगदीश को मेरी प्यारी।
कोई सदा भी रक्षा मेरा नाम जी। और बोले सदा वृक्ष ने अपनी बात पूरी कही और फिर सौरंगा इतनी बात के बाद में पड़वे के लिए चली।